न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है ना सबको। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? Every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. ठीक है, इसको समझने के लिए बहुत सारे examples हैं। How do we walk? आपने देखा होगा कि हम क्यों चल पाते हैं? हम जो चलते हैं ना, नॉर्मली डेली चलते हैं, मालूम है हमें कैसे चलते हैं? मालूम है, हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, हम पैरों से ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, जिसके रिजल्ट में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपको समझ में आया? हम जितनी ताकत पीछे लगाएंगे उतने ही ताकत से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। Every action has equal and opposite reaction. ये आपका first example. Second example, recoil of the gun. अभी नीचे मैं visuals भी दिखाऊंगा। आपको पता है कि जब गन चलती है, बुलेट जाती है आगे और गन पे एक झटका लगता है पीछे, जिसको हम लोग बोलते हैं recoil. Yes कि नो? Yes सर। और अगर एक बहुत बड़ी सी रॉकेट लॉन्चर ले लेंगे आप और रॉकेट लॉन्चर ऐसे खड़े होके चलाएंगे तो क्या होगा मालूम? रॉकेट जाएगा आगे और आप जाएंगे पीछे, इतना आसान नहीं है, है ना। बुलेट चलाना तो ठीक है, आप गन चलाते हैं तो बुलेट जाती है आगे और गन पे झटका लगता है ऐसे पीछे। जब भी आप एक बुलेट निकलती है ना, ऐसा झटका मारती है, ठीक है, आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कैसे पकड़ना है। अगर आप ठीक से नहीं पकड़ेंगे तो पता लगा कि एक जो रिकॉइल हुआ झटके से आपको चोट लग गई, कंधे उखड़ गए और बड़ी गन तो छोड़ ही दीजिए, मैं छोटी गन की बात कर रहा हूँ। और कुछ मूवीज में दिखाते होंगे कि रॉकेट लॉन्चर ऐसे खड़े होके चला दिया, पॉसिबल ही नहीं है, रॉकेट जाएगा आगे और आप जाके गिरोगे पीछे। बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। विजुअल्स के साथ में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक बैकवर्ड जर्क लगता है और अ किक टू द शोल्डर, ठीक है, कंधे पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जेट प्लेन कैसे चलती है? उसका धुआं निकलता है पीछे और प्लेन चलता है आगे। रॉकेट में भी सेम, गैसेस बहुत स्पीड से निकलती हैं पीछे की तरफ, ठीक है, एक जो रॉकेट है उसमें गैसेस निकलती हैं बहुत स्पीड से पीछे की तरफ और रॉकेट चलता है आगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बोट में जो हम ओर चलाते हैं, ओर क्या करते हैं हम लोग? पानी को धकेलते हैं पीछे और बोट चलती है आगे। अभी मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, अभी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, चलो पहले एग्जांपल से करते हैं। एक एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। एक रोलर पर एक गर्ल है, उसने क्या किया मालूम? समझ में आ रहा है? उसने बॉल को थ्रो किया, रोलर पे बैठे बैठे उसने बॉल को फेंक दिया। इसका रिजल्ट क्या होगा मालूम है? वो पीछे चली जाएगी। वो सिर्फ क्या कर रही है? रोलर पे बैठी है, बिल्कुल स्टेशनरी। उसने क्या किया? बॉल को फेंका, बॉल को फेंका, बॉल जाएगी आगे और वो जाएगी पीछे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बाद में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे,
मैं उसको भी समझाऊंगा आपको, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, जब बुलेट आप फायर करते हैं तो बुलेट जाती है आगे और गन जाती है पीछे, रिकॉइल होता है, ऐसा छटका पीछे लगता है, राइट। और एग्जांपल्स देखते हैं, एक बलून, और अगर बलून को छोड़ेंगे तो ऐसा जिगजैग जिगजैग पूरे में घूमता है, याद है ना। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रॉ लगा दिया और स्ट्रॉ के बीच में धागा बांध दिया है ताकि जहां जाए वो सीधे जाए धागे के लाइन में। गैस निकलेगी, हवा निकलेगी पीछे और बलून ट्रेवल करेगा आगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ। और एग्जांपल्स देखिए, जब आप नाव चला रहे हैं तो आप ओर को कहाँ धकेल रहे हैं, पानी को आप पीछे धकेल रहे हैं, याद रखना, याद ये रखना कि आप पानी को पीछे धकेल रहे हैं। हमें आगे जाना है तो हम चप्पू कैसे चलाते हैं, ओर को कैसे चलाते हैं, पानी को पीछे पुश करते हैं। पानी को पीछे पुश करोगे तो आप आगे चले जाओगे, वाटर को पीछे पुश करने से आप आगे बढ़ जाए। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और अच्छा एग्जांपल ये ले लीजिए, पानी इतने स्पीड से निकल रहा है नीचे की तरफ कि ये पर्सन जो है ऊपर उड़ने लगा, इज इट पॉसिबल? यस, ये तो बहुत कॉमन है, आजकल हमें देखने मिलता है। तो ये ऐसा पॉसिबल कैसे है, कैसे कर पा रहा है, क्योंकि बहुत फोर्स से पानी निकल रहा है और पानी फोर्स से निकलेगा नीचे और हमें थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ। एक हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है, हवा फेंकता है नीचे, उसकी पंखी जो चल रही है वो पूरी स्पीड से हवा फेंकता है नीचे, उसके रिजल्ट से वो उड़ जाता है ऊपर, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्या आपको इतना समझ में आया? गन के साथ में आप एक कैनन को ले लो, गोला चलेगा आगे और ये तोप जाएगी पीछे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल हमने क्या लिया है, दो स्प्रिंग बैलेंस लिया है, दोनों को आपस में अटैच कर दिया है, एक को हमने वॉल से फिक्स कर दिया, हम नहीं चाह रहे कि ये मूव करे, यहां से फिक्स है, और दूसरे साइड से हम उसको खींचते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब फर्स्ट में रीडिंग वन होगी तो सेकंड में भी रीडिंग वन, और ताकत लगाएंगे इसका रीडिंग टू आएगा तो इसका भी रीडिंग टू आएगा, और ताकत लगाओगे इसका रीडिंग थ्री आएगा तो इसका भी थ्री आएगा, और लगाओगे तो फोर। मैं कहना ये चाहता हूं कि दोनों की रीडिंग हमेशा इक्वल रहेगी, क्यों? अगर ये फर्स्ट जो है सेकंड को फोर न्यूटन से खींच रहा है तो सेकंड भी उसको फोर न्यूटन से खींच रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, स्केट्स पे खड़े होके उसने गोली चलाई, बुलेट गई आगे और वो अगर खड़ा होता ग्राउंड पे तो झटका लगता किस पे, गन पे, लेकिन क्यों रोलर स्केट्स पे खड़ा है तो पूरा का पूरा पीछे मूव कर जाएगा, बुलेट जाएगी आगे और वो जाएगा पीछे। और अगर ग्राउंड पे खड़ा होता, रोलर स्केट्स नहीं होते तो पैर में फ्रिक्शन होता तो पैर तो पीछे नहीं जाते लेकिन गन पीछे जाते। फॉर एग्जाम्पल, आप रोलर स्केट्स पहनकर दीवाल को धक्का देंगे तो दीवाल भी आपको धक्का देगी, आप रोलर स्केट्स पहन के अगर वॉल को पुश करेंगे तो आप ही दूर हो जाएंगे जैसे कि वॉल ने आपको पुश कर दिया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दे दिए। अब थ्योरी पे पहुंचते हैं, तो देखिए मैंने थ्योरी आपको सबसे पहले बताई, हम लोग वॉक कर पाते हैं इसलिए क्योंकि हम ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे
और रिजल्ट ये होता है कि हम बढ़ जाते हैं आगे, बुलेट जाएगी आगे, गन रिकॉइल होगी पीछे, गैसेस निकलेंगे पूरे प्रेशर से पीछे और जेट प्लेन चलेगा आगे, बोट में ओर चलाएंगे पीछे और बोट मूव होगी आगे। अब ये क्या है? होज पाइप। होज पाइप मालूम है, फायर ब्रिगेड के पास जो पाइप होती है जिससे हम लोग आग बुझाते हैं, बहुत मोटी सी होज पाइप होती है और उसमें से फिर खूब प्रेशर से पानी निकलता है, पानी निकलेगा आगे और ये पाइप जाएगी पीछे, बहुत फोर्स से पानी निकलेगा, बहुत पानी निकलना है ना, बहुत फोर्स से, मोटी पाइप रहती है ये ब्रास का रहता होज पाइप, ठीक है इसका वो, तो पानी बहुत फोर्स से निकलता है आगे, उसका रिजल्ट क्या होता है कि पाइप जाती है पीछे, ये पाइप पीछे जाती है तो वहां पे जो पकड़ने वाला रहता है ना उसको बहुत ताकत से पकड़ना होता है, तब वो पाइप वहीं पर रहेगी, स्टडी रहेगी, नहीं तो वो पीछे चली जाएगी और फिर बहुत ताकत से उसको पकड़ना होगा और फिर एम भी करना होगा कि जहां पे पानी मारना वहीं पर जाए, है ना, उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। घर में भी देखोगे आप, अगर घर में आप देखना कि आपने टैप से आपने पाइप अटैच करके रख दी है और अब जैसे ही आप टैप खोलेंगे झटके से, जैसे ही पाइप निकली में पानी बढ़ेगा आगे, ये पाइप पीछे की तरफ मूव करती है। आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके घर में देख सकते हैं, मैंने तो बहुत बार देखा ये सारे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसी तरह से हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा क्या कर रहा है, हॉर्स क्या कर रहा है, द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड विद इट्स फीट, वो ग्राउंड को पीछे धकेल रहा है, रिजल्टेंट कि वो आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत इजी सा लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसके इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए, ठीक है। और भी एग्जांपल्स होते हैं, आपने कभी बोटिंग के बाद लौटे होंगे और जब हम लोग कूद के बोट से उतरते हैं, आप बोटिंग से वापस लौटे हैं, यहाँ पर जमीन है, हम जंप करके आगे कूदते हैं, हम जंप करते हैं आगे और ये बोट खिसक जाती है पीछे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मैं कराऊंगा आपको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज मोमेंटम, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब दो टाइप का मोमेंटम होता है, एक होता है इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये सब हम लोग ने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पे हमने सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब कि जितना मोमेंटम रिएक्शन के पहले था उतना ही मोमेंटम रिएक्शन के बाद रहता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कल्यूजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कल्यूजन, टोटल मोमेंटम बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर रिएक्शन। कहाँ अप्लाई होगा ये सारे एग्जांपल्स में जो अभी हमने पढ़ा, ये जितने एग्जांपल्स हमने पढ़ा, मोमेंटम ऑफ द बॉल, मोमेंटम ऑफ द गन, क्या लगता है आपको, मोमेंटम ऑफ द बॉल विल ऑलवेज बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गन, मोमेंटम इज कंजर्व, दोनों इक्वल रहता है, इनफैक्ट डायरेक्शन ऑपोजिट है, P2 यहां आ जाएगा तो P1 plus P2 equals to zero, momentum is conserved, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंटम
टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, पी वन इक्वल्स टू माइनस पी टू इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। उसी तरह से गन और कॉइल और बुलेट की बात करें तो मोमेंटम ऑफ द गन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट, बस डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। ये सब जगह मोमेंटम ऑफ द कोर इज ऑल्सो इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बोट, मोमेंटम ऑफ वाटर इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द पर्सन, समझ रहे हैं। ये सब जगह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं आपको डिटेल में बता दूं, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो वैन है, फर्स्ट का मास m1, सेकंड का मास m2, वो मूव कर रहे थे विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2, दोनों कोलाइड हो गए टक्कर, और टक्कर के बाद उन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो गई, क्योंकि ये इनिशियल केस पढ़ रहे थे, इसमें इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 और टक्कर के बाद हम इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, तो v1 v2 ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट वही है m1 m2, ठीक है। तो फोर्स जो फर्स्ट पे लगा इज इक्वल्स टू माइनस द फोर्स ऑन द सेकेंड, तो फर्स्ट पे जो फोर्स लगा वो सेकेंड के कारण लगा, और जो सेकेंड में फोर्स लगा फर्स्ट के कारण लगा। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये फोर्स का फॉर्मूला था। तो फोर्स का फॉर्मूला एम वी माइनस यू अपॉन टी, एम वी माइनस यू अपॉन टी, फर्स्ट फोर्स इज ड्यू टू सेकेंड एंड सेकेंड इज ड्यू टू वन, तो यहाँ पे टू 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 सब में लग दिया, यहाँ पे वन 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 लिख दिया, और क्योंकि टाइम दोनों का सेम है कट जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया, जो बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया, सिंपली नीचे कॉपी किया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू माइनस एम वन वी वन, माइनस का माइनस प्लस एम वन यू वन। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स टुगेदर, लाइक टर्म्स टुगेदर मतलब v को एक साइड ले लो, तो ये v नेगेटिव था ना, इसको इस साइड ले लेना तो प्लस बन जाएगा, ये u नेगेटिव था तो उसको दूसरे साइड ले लेना ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या आ गया, एक साइड देखिए दोनों v आ गए, v1 v2, दूसरे साइड u1 u2, तो आपने एक तरह से देखा कि m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। ये m1 u1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट व्हीकल, ये क्या है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सेकेंड व्हीकल, तो दोनों का मिलाकर टोटल मोमेंटम बिफोर कल्यूशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कल्यूशन, दिस मीन्स मोमेंटम इज कंसर्व्ड। क्या आपको ये याद रहेगा, मैं फिर से सॉल्व करके बता दूं, F1 is equals to minus F2, F1 is due to second, M V minus U upon T minus M V minus U upon T, ये फर्स्ट वाला सेकेंड की वजह से है, सेकेंड वाला फर्स्ट की वजह से है, T से T cancel, bracket open, this is M2V2 minus M2U2, right, equals to, ये क्या आएगा, minus M1V1, minus का minus plus M1U1, right, ये minus MV1 को इस साइड लाओगे, तो M1V1 plus हो जाएगा, और ये M2V2 तो plus पहले से था, यहां पर m1 u1 है पहले से, और ये जो है इसको अपन दूसरे साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहां पर प्लस हो जाएगा m2 u2। देख लो टोटल मोमेंटम आफ्टर कल्यूजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कल्यूजन, हेंस प्रूव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूव करने को आता है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, कॉपी में लिख के लाना, ठीक है। अब इसके बाद
देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक। न्यूमेरिकल्स समझाने के पहले मैं कुछ एक आपको फॉर्मूले समझा देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टॉपिक जो पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर नहीं गिवन हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी माइनस यू अपॉन टी, अगर ये गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज तो फोर्स को हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम पी टू माइनस पी वन अपॉन टी, ये तीनों ही फोर्स का फॉर्मूला है 2.1, 2.2, 2.3, मैं बोल दे रहा हूँ 2.123, इसलिए तीनों ही फोर्स के फॉर्मूले। मतलब अगर मास और एक्सेलरेशन देगा तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना, अगर वी यू टी देगा तो सेकंड फॉर्मूला यूज करना, और अगर पी वन पी टू टी देगा तो थर्ड फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाने जा रहा हूं कि कैसे करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्या फाइंड करने बोला, फाइंड फोर्स। फाइंड फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास गिवन है? यस 400। क्या एक्सेलरेशन गिवन है? उसने बोला नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस 2.5। मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 1000 न्यूटन आपका आंसर, बस खत्म। क्या ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया? इजी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, उसका वीडियो हम लोग अलग से बना लेंगे। मैं सॉल्व करूंगा और उसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे हम लोग। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्जेक्ट्स 250, 750 मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 6 and 4 कोलाइड, और आफ्टर कलूजन तो फर्स्ट वाले का वेलोसिटी 2 है, सेकंड की वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या लगता है कौन सा टॉपिक है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला फॉर्मूला m1 v1 m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। आप करेंगे m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। याद रहेगा इतना। मास कितना दिया है, 250 ग्राम केजी में 0.25, एक केजी में 0.75, m1 क्या है 0.25, m2 क्या है 0.75, m1 क्या है 0.25, m2 क्या है 0.75, yes कि no, yes, m1 m2 v m1 m2। फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी है 6, सेकंड की वेलोसिटी कितनी है 4, बिफोर कलूजन। आफ्टर कलूजन फर्स्ट की वेलोसिटी दिया है 2 और सेकंड की वेलोसिटी निकालनी है। आपने देखिए सारे वैल्यूज तो दिए हैं, फॉर्मूले में पुट अप कर दिया, टोटल मोमेंटम बिफोर कलूजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलूजन, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, फॉर्मूले में पुट अप किया, एक ही तो अननोन है, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 3 15 1.5, ये कितना हो जाएगा 0.35, मतलब 3 by 4 into 4 ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 0.5, और ये आएगा 0.75 into v2, तो 3 plus 1.5 4.5, और ये 0.5 यहां आकर माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.75 into v2। 4.5 माइनस 0.5 कितना बचा 4, 0.75 v2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो v2 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 0.75। आपको पता 0.75 होता 3 by 4, भाई एक वन अपॉन में लगाया, दो डेसिमल हटाया, दो जीरो, 25 3 जा 25 4 जा, तो ये जो 0.75 है ये अपॉन में डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड मतलब डिवाइड बाय 3 by 4, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है,
दिस इज 16 बाय 3, 3 5 जा 15, बचा 1, 1 का डिवाइड बाय 3 होता है 0.33, दिस इज V2, सेकेंड न्यूमेरिकल। इस वीडियो को फिर से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, पीडीएफ देख लेना, अच्छे से समझ के फिर करना है, इट इज इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स, जैसी उसने बोला टू ऑब्जेक्ट्स और कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? कंजर्वेशन ऑफ ओमेगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, इजंट इट? मास 5 तो दोनों का, ईच ऑफ मास 5 5 5 5 5, सबका मास 5, m1 m2 m1 m2, लिख दिया मैंने 5 5 5। बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 3 बिफोर कोलिजन, स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये इसकी वेलोसिटी 3 थी और इसकी वेलोसिटी, अगर एक की फर्स्ट की वेलोसिटी 3 थी तो सेकंड की वेलोसिटी 3 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको -3 कहेंगे। और फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट टकरा गए, टकराने के बाद दे स्टिक, टकराने के बाद क्या हो गए, ये जो दोनों ये अलग अलग थे, टकराने के बाद ये चिपक गए, चिपक गए मतलब ये m1 plus m2 ये दोनों चिपक गए साथ में, तो 5 plus 5 क्या हो गया, 10 into v। अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी कंबाइंड, जो चिपक गए अब वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्या इतना समझ में आया? तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया -15 इक्वल्स टू 10v, ये क्या है 0, 10v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0.10, दैट इज इक्वल्स टू 0। भाई ये भी ये +15 से आ रहा, ये -15 से आ रहा, दोनों मिलके 0, और जो चिपक भी गए तो वहां तो स्टेशनरी रेस्ट पे रहेंगे, अगर इनमें से किसी का मोमेंटम ज्यादा होता तो फिर वो मूव कर जाता, ठीक है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि जब भी ऐसा हो जाए कि दो चीजें दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और वो कोलिजन के बाद चिपक जाए, तो चिपक जाए तो आप क्या करना, चिपक गए तो दोनों कंबाइंड हो गए, कंबाइंड हो गए तो एक ही बन गए, अब उनका टोटल मास m1 plus m2 और वेलोसिटी भी, ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है ये हॉकी बॉल है, उसकी वेलोसिटी 5 है और हॉकी से मारने के बाद वो रिटर्न करता है ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी 10, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से समझना, क्या पूछा है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। हमें पहले क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम, फिर निकालना है फाइनल मोमेंटम, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, किसकी बात कर रहे हैं, क्रिकेट हॉकी बॉल की बात कर रहे हैं। मास कितना है 500 ग्राम, ग्राम में नहीं चलेगा, केजी में चाहिए, 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.5 लिख दीजिए, और किस वेलोसिटी से जा रहा है 5, कितना हो गया 2.5 इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मास कितना है 0.5 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, लेकिन ध्यान देना बॉल जा रही थी ऐसी 5 की स्पीड से और हॉकी से मारा तो रिटर्न हो गई, रिटर्न टू द ओरिजिनल पाथ -10, 0.5 इनटू -10 इज -5, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल, हमें क्या चाहिए चेंज, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है -5, याद रखना आगे पीछे नहीं लिख लेना, एंड माइनस इनिशियल, इनिशियल इज 2.5, टोटल मिलाकर -7.5, समझ में आया आपको।
चेंज इज ऑलवेज द फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये सारे न्यूमेरिकल्स कर जाके अच्छे से रिवाइज करना, इतने तो आपको मिनिमम बननी ही चाहिए, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल और है, इसको देखते हैं। ये बोल रहा है एक मास है 50 केजी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 थी, फाइनल वेलोसिटी 8, ठीक है। उसको एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, क्या क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, देन फाइंड द फोर्स। इनिशियल मोमेंटम क्या होता, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम होता मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना था 50, इनिशियल वेलोसिटी थी 4, कितना हो गया 200। फाइनल मोमेंटम मास है 50, फाइनल वेलोसिटी इज 8, कितना हो गया 400। दो पार्ट हो गए, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, p2 माइनस p1, 400 माइनस 200 अपॉन टाइम 5 सेकेंड्स। दिस इज 200, 200 बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। देखिए हमने तीनों चीज निकाल ली। उसने बोला था इनिशियल मोमेंटम, ये निकल गया, फाइनल मोमेंटम ये निकल गया। और अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम पता ही है तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना हम, बाकी के दो फॉर्मूले क्यों यूज करेंगे। मतलब ये देखिए हमने जो अभी क्वेश्चंस किए, एक क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, एक दो न्यूमेरिकल इसके आ गए, ठीक है। और उसके बाद फोर्स के क्वेश्चंस थे, मोमेंटम के क्वेश्चंस थे, चेंज इन मोमेंटम के क्वेश्चंस थे। कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, और कहीं पर ये वाला भी हमको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसे हैं क्वेश्चंस। और लास्ट वाला भी हमने यूज किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, गन और बुलेट वाला भी क्वेश्चंस है, वो सब फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल की शीट में करेंगे और उसको भी हम लोग बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है।